एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। गुलिस्तान चर्चा अपना विषय प्रारंभ हुआ है। कल अपन ने यह जानने का प्रयास किया था गुलिस्तान जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस गुलिस्तान को पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। बनिया बुद्धि है, बिना लाभ के कोई काम होता नहीं है। जहां लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी कोई काम नहीं करना चाहता। भगवान के सामने भी जाते हैं, नमस्कार करने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, स्वाध्याय करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर हमें मिलेगा क्या। जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा तो भगवान के पास भी कोई जाने वाला नहीं है। हर एक के पास कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई एम्बिशन होती है कि हम वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जब दर्शन करने में, पूजन करने में, भक्ति करने में इस तरह के विकल्प उठते हैं, तब ये उससे भी और कठिन काम पढ़ना समझना और ऐसे विषय को पढ़ना समझना जिसका हमने कई बार नाम भी ना सुना हो, कदाचित नाम सुना हो तो उसके बारे में विशेष हमने कुछ नहीं जाना हो, ऐसे विषय के बारे में पढ़ना समझना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए इस विषय को पढ़ने सुनने समझने के लिए भी हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि इसको पढ़ने से आखिर लाभ क्या होगा। तो ऐसे लाभ क्या होगा, इस तरह के प्रश्न जब उठते हैं तो उनके बारे में कल अपन ने 10 लाभों की चर्चा की थी, किस तरह के लाभ हमें इस गुलिस्तान को पढ़ने से हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ अपन ने देखा था, 2-3 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे एक मुख्य लाभ, सबसे पहला लाभ बताया था आपको, ध्यान होगा, ध्यान है, ऊपर लिखा है जीव परिणाम। जीव परिणाम तो सब समझते ही हैं, जो हमारे भाव हो रहे हैं, प्रति समय हमारे भाव होते हैं, अच्छे भाव भी होते हैं, बुरे भाव भी होते हैं, जो जो भी हमारे मन में चलता है, विचार होते हैं, विकल्प होते हैं, वो सब भाव कहलाते हैं। और जैसे जैसे हम भाव करते हैं उन भावों के अनुसार सभी जीवों को, जो संसारी जीव हैं, उनके कर्मों का बंधन होता है। जैसे भाव वैसा कर्म बंधन, और जैसा कर्म बंधन होता है उसके अनुसार उदय होता है और उदय के अनुसार फल होता है। इसलिए सारा डिपेंड है हमारे जीव भावों पर ही, हम जैसे भाव करेंगे उसके अनुसार ही फल मिलेगा। इसी के अंतर्गत एक बात और आई थी लाभों के अंतर्गत, अपन आगे बढ़ते चले जाएं। एक और आया था कि गुलिस्तान का बढ़ना अथवा घटना किसके ऊपर डिपेंड है, जीव के परिणामों पर, भावों पर। जैसे जैसे भाव करेंगे भाव के अनुसार ऊपर बढ़ेंगे, यदि विशुद्ध भाव होंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, अशुद्ध भाव होंगे तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए सारा खेल है भावों का। आपने एक छोटा सा उदाहरण सुना होगा, वो जो तंदुल मत्स्य का, तंदुल मत्स्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, कई लोग तंदुल मत्स्य नहीं जानते। तंदुल माने होता है चावल, बिल्कुल चावल जैसा आकार का छोटा सा एक तंदुल मत्स्य होता है और ये बहुत दूर रहता है। कितने दूर है पता है किसी को? अच्छा आपको पता, हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र कितने दूर है यहां से, कितने किलोमीटर होगा है? किसके कितने किलोमीटर होगा, अब क्या बताओ, किलोमीटर किलोमीटर हमें तो बात है ही नहीं, मीलों में बात नहीं है, कोसों में बात नहीं है, सारी बात चलती है उसके और ऊपर, किसमें, सम्यक है, योजनाओं में चलती है, और योजन के भी ऊपर एक और उसका बड़ा बॉस है, कौन सी चीज, राजू। ये राजू बहुत है ना, सब जगह गली मोहल्ले में मिल जाएगा, लेकिन वो राजू अलग है और ये राजू अलग है, दोनों राजू में बहुत अंतर है। माने यहां से कितने दूर, माने आधे राजू को पार करते हुए स्वयंभू रमण समुद्र मिलने वाला है, और उस स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला एक महामत्स्य, और वह महामत्स्य भी बहुत बड़ा होता है, उसके बारे में क्या अभी डिटेल करें,
हैं, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। इतना बड़ा महामत्स्य यदि उसको कोस और किलोमीटर में बनाए तो इतना बड़ा बन जाएगा कि दो चार भारत इंडिया उसके अंदर समा जाए। इतना बड़ा वह महामत्स्य होता है। हमें महामत्स्य की चर्चा विस्तार से नहीं करना है, हमें बात करना है कि जब वो महामत्स्य अपना मुंह फाड़ता है तो उसके अंदर, उसके मुंह के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मच्छ वगैरह मुंह के अंदर आते हैं, जाते हैं और बहुत अंदर चले जाते हैं, घूम घाम के वापस आ जाते हैं, और वो मुंह फाड़े रहता है और किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। आराम से बैठा है मुंह खोले हुए और जानवर तो सोचते हैं यहाँ तो जगह है, घूम घूम के अंदर जाते हैं, उसके पेट में भी चले जाते हैं और वो तो मुंह खोले रहता है और वापस घूम घाम के बाहर आ जाते हैं, गुफा जैसे में घूम के आ जाते हैं। महामत्स्य तो कुछ नहीं कर रहा है उनको, लेकिन उस महामत्स्य के कान में एक छोटा सा एक मत्स्य रहता है, वह मन में विचार करता है कि एक कैसा मूर्ख है महामत्स्य, किसके अंदर इतने सारे जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को नहीं खा रहा है, यदि क्या बोले, यदि मैं होता, बस यदि मैं होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। क्या गजब है, और खा तो एक को नहीं रहा है वो, मात्र कितना सोच रहा है कि मैं होता तो किसी को भी नहीं छोड़ता। इस तरह की भावना के कारण से एक को भी ना मारता हुआ, एक को भी ना खाता हुआ वह तंदुल मस्त बिना हिंसा के देखा जाए तो, बाहर में द्रव्य हिंसा बिना, मात्र भावों के बल पर भाव हिंसा करके वह तंदुल मस्त सातवें नरक में जाता है। क्या गजब है, ये भावों का ही सारा खेल है। भाव बिगड़े नीचे और भाव सुधरे और ऊपर चला जाता है। इसलिए हमें यह विचार करना बहुत जरूरी है कि सारा खेल है वो भावों पर ही डिपेंड है। यदि हमारे भाव अच्छे होंगे तो काम होगा, भाव यदि झूठे होंगे, मिथ्या होंगे, कसाय सहित होंगे तो हमारा गुणस्थान गिर जाएगा, अधोपतन हो जाएगा, अधोगतियों में हमारा गमन होगा। इसलिए भावों के अनुसार ही सारा खेल होता है। ये चर्चा अपन ने विस्तार से लेने का प्रयास किया था, आगे बढ़ाएं। इसमें अपन सबसे अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, एक खास लाभ जो 10वें नंबर का अपन ने जानने का प्रयास किया था, कौन सा लाभ था, एक करणानियोग का इतना सूक्ष्म विवेचन किसके ज्ञान में झलका है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जब इतना झलका है ऐसा जान के हमें सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। ऐसा नहीं होता अपन साइंस कुछ बताता है, हम देखते हैं जानते हैं तो हमें उसकी महिमा आती है, लेकिन इतना सारा जो जितना विवेचन जो हमें दिख रहा है, इतना सब कुछ बताने वाले सर्वज्ञ भगवान है, इतनी सूक्ष्मता उनके ज्ञान में है, ऐसा जानकर हमें सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। और सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है उससे किसकी महिमा आती है, सर्वज्ञ स्वभाव, अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है, और जैसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आ गई उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए ऐसे गुण स्थान आदि जो विषय हैं इन सबको हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और एक खास बात जो इसमें नहीं आई 10 लाभों में, करणानियोग का यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो द्रव्यानियोग जो हमारा मूल अध्ययन करने का प्रयोजन रहता है उसमें मजबूती मिलती है। हम मात्र एक सामान्य द्रव्यानियोग का अध्ययन करेंगे कहीं ना कहीं हम अटक सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, फेल हो सकते हैं, लेकिन हमारा सैद्धांतिक करणानियोग यदि मजबूत होता है तो उससे हमारा द्रव्यानियोग भी और बलवान हो जाता है, अंदर से आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, जो हम समझ रहे हैं वो वास्तव में एकदम सही है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इसलिए उसकी मजबूती के लिए भी करणानियोग का अभ्यास हमें करना चाहिए। इतनी सभी चर्चाएं करने के बाद अब अपन आगे बढ़ाते हैं विषय को। सबसे पहले अपन जानने का प्रयास करते हैं कि गुणस्थान क्या चीज है। ठीक है, प्रश्न है आपसे, इसमें यद्यपि एक पहला बिंदु लिखा है गुणस्थान के नामांतर। गुणस्थान अपन ने नाम सुना ही है, इसके दो नाम और शास्त्रों में मिलते हैं। एक नाम है जीव समास। आप लोग सोच रहे होंगे कि जीव समास तो अलग चीज है, हमने जीव समास के नाम अलग अलग सुने हैं, सुने होंगे सभी ने, समणा अमणा ण्या द्रव्य संग्रह में
पंचेंदी डिमणा परे सबे बादर सोहे में इंदी सबे पज्जत दराए। ये हमने नाम सुने हैं, लेकिन यहाँ ये तो गुलिस्तान है। गुलिस्तान और जीव समाज दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जीव समाज क्या होता है? समाज माने संक्षेप, शॉर्ट में समाज यही तो होता है। कोई एक वाक्य लिखा हुआ हो उसको जो एकदम शॉर्ट में कह दे उसको समाज कहते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका, कितने शब्द हैं? लंबा है उधर जिसका कितने हैं? और इन चारों को समास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबोदर। पीला है अंबर जिसका, शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीतांबर। शॉर्ट हो गया, संक्षेप हो गया, समास कर दिया। तो जीवों को जब संक्षेप में कहा जाता है तो उसको जीव समास कहते हैं। ऐसे ही पुद्गलों को संक्षेप में कहें तो पुद्गल समास कहेंगे, ऐसा ही है। तो ऐसे ही जैसे जीव समास में जीव कितने हैं, जीव कितने हैं विश्व में? अनंत जीव हैं। अनंत जीवों को हमने 14 में गर्भित किया था, 14 जीव समास कहे थे ना, तो सब अनंत को 14 के अंदर गर्भित किया तो वो 14 जीव समास हो गए। ऐसे ही यहां पर भी जो गुलिस्तान है, अपन 14 गुलिस्तानों की मुख्यता से चर्चा करेंगे। तो जीव तो बहुत हैं और गुलिस्तान भी वास्तव में बहुत हैं। उन सब को हम संक्षेप में, शॉर्ट में 14 कहते हैं, इसलिए संक्षिप्त हुआ, इस कारण से गुलिस्तानों को भी जीव समास कहने में आता है। तो इस तरह से गुलिस्तानों का एक नाम जीव समास भी है और जीव स्थान भी है, क्योंकि जीवों के ही स्थान है, सब में जीवों की ही चर्चा होगी, अन्य किसी की नहीं। ठीक है, अपन आगे देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अब आप जवाब दे सकें तो दीजिए। हाँ, बस सिर्फ प्रश्न। हाँ, गुलिस्तान क्या है? थोड़ा आपसे भी पूछते रहेंगे, लेकिन उसी पद्धति से पूछेंगे जिस पद्धति से दादा ने सिखाया है, और आप उसी पद्धति से जवाब दे। गुलिस्तान क्या है? हाँ बोलिए, आवाज तो हो सकता है नहीं आएगी। अच्छा, एक सेकंड बैठ जाओ, वो पूरी परिभाषा बताएंगे। क्या ये लोग पढ़े लिखे ना, थोड़ा अध्ययन कर लिया विद्यालय में, तो पूरी परिभाषा बताएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वो अपन अभी चलाने वाले हैं आगे। एकदम शॉर्ट में यदि कोई कहे गुलिस्तान क्या है, बहुत बढ़िया, इससे और शॉर्ट में भावों के स्थान, ये तो वहां कहीं चला था, है ना। चलिए, अच्छा मैं आपको ऑप्शन देता हूं। गुलिस्तान द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, कि इनमें से कोई नहीं? देखो कितना बढ़िया उत्तर दे दिया आपने। गुलिस्तान क्या है? पर्याय है। देखिए उत्तर, पर्याय। अब दूसरा मेरा प्रश्न है, गुलिस्तान कहां है? ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, कहां पर होते हैं जीव? पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, कहां होते हैं, किस में होते हैं? जीव द्रव्य की पर्याय। बहुत बढ़िया, क्योंकि जीव द्रव्य की अवस्था है, तो जीव द्रव्य की एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय में होते हैं। देखें अपन उत्तर, जीव की एक समय की पर्याय में गुलिस्तान होते हैं। माने हम देखें कि बहुत लंबे चलने वाले गुलिस्तान नहीं है। कितने समय के? एक समय मात्र के हैं। और मैं कितने समय का? अनादि से अनंत काल रहने वाला हूं। तो हमारे सामने देखा जाए तो गुलिस्तान की क्या वैल्यू है? वैल्यू किसकी है? अपनी है, अपने स्वभाव की वैल्यू है। स्वभाव हमारा बड़ा है, क्योंकि अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, और गुलिस्तान तो एक समय की पर्याय मात्र है, उससे ज्यादा टिकने वाले नहीं है। नंबर तीसरा प्रश्न है, गुलिस्तान कब से है? बहुत बढ़िया, गुलिस्तान कब से हैं? अनादिकाल से हैं। और कब तक रहेंगे? अच्छा नहीं नहीं नहीं, तो ज्यादातर लोगों से पूछो कि हमारा गुलिस्तान कौन सा, सब कहते हैं पहला। कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? तो लोग बोल देते हैं अनंत काल तक रहेगा। अनादि से हो तो हो, लेकिन अब अनंत काल तक के लिए हमारा वो गुलिस्तान नहीं रहना चाहिए। अनंत काल नहीं, जितने जल्दी बने, जैसे ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जितने जल्दी इन गुलिस्तानों से अतीत हम हो जाएं,
ऐसा हमें प्रयास करना है, इसलिए हम गुणस्थानों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें गुणस्थानों में प्रवेश नहीं करना है, गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। बहुत बढ़िया। क्यों ज्ञान में क्यों प्रवेश करना है, गुणस्थान में क्यों नहीं? गुणस्थान में तो पहले से प्रवेश है ही। कब से है? अनादि से है। अनादि से हमारा हेडक्वार्टर कौन सा था? निगोद। निगोद अवस्था, वहां गुणस्थान कौन सा था? पहला। अब वहां से जैसे तैसे निकल निकल के, जैसे वो कहते हैं ना, चने यदि भूंज रहे हों तो उसमें से कुछ उचट उचट के बाहर निकलते हैं कड़ाई में से। ऐसे ही हम भी, ये हमें बहुत इसकी महिमा आना चाहिए कि अनंत निगोदीय जीव, अनंत निगोदीय जीव अभी वहीं पर हैं और अनंत काल तक वहीं रहने वाले हैं। फिर से बोलता हूं, अनंत निगोदीय जीव ऐसे हैं जो अनादि काल से निगोद में ही हैं और अनंत काल तक, आगे इन फ्यूचर भविष्य में अनंत काल तक अनंत जीव वहीं रहने वाले हैं, निकलने वाले नहीं हैं। हम तुम जैसों का महान सौभाग्य है कि हम उसमें से निकल के आ गए। बहुत बड़ा काम हो गया। पता तो हो गई कि कितने दिनों में कितने निकलते हैं, है ना, महीनों में कितने निकलते हैं, है ना। 6 महीने 8 समय में 608, उसमें हमारा नंबर आ गया अनंतों में से। ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है और हमारा हो सकता है मोक्ष जाने का जल्दी से क्रम आ गया होगा। तो हमें ये तत्व की बात जम रही है, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अपन ने देखा गुणस्थान कब से हैं, तो उत्तर आया अनादि से हैं। अब अपन अगला प्रश्न है अपने पास, गुणस्थान कैसे हैं? कैसे हैं का मतलब इसमें यह पूछना चाह रहे हैं कि गुणस्थान का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। क्योंकि नाम किसी भी चीज का, हम नाम सुनते हैं तो तुरंत जिज्ञासा खड़ी होती है कि आखिर ये है क्या। नया नाम सुना तो आखिर ये है क्या, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, पहचान चिन्ह क्या है, यह जानने का मन में विकल्प उत्पन्न होता है। तो इसी के लिए हम गुणस्थानों का स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं। अपन स्वरूप जानेंगे, अपन ये पेज को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। इसमें कई चीजें हैं लेकिन हम वो मुख्य बिंदुओं से ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट लेंगे तो विषय यहीं रुक जाएगा। बस एकदम शॉर्ट में अपन देखें गुणस्थान। गुणस्थान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गुण प्लस स्थान, दो शब्द हैं। गुण का अर्थ क्या है, वैसे सामने लिखा आपको मिल गया है, नहीं तो आप बताते ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये वाले गुण नहीं लेना है यहां पर। गुण का अर्थ क्या है? भाव है। और स्थान का मतलब है भेद। लेकिन यहां भावों से कौन से भाव? औदेक आदि भाव, जो जीव के कितने भाव होते हैं आपने सभी ने पढ़े होंगे तत्वार सूत्र जी में, 5 भाव शॉर्ट में, संक्षेप में तो 5 कहे हैं। पहला औपसमिक, दूसरा शायोपसमिक, तीसरा शायक, चौथा औदेक और 5वां पारनामिक। तो इनमें जो औदेक पहला है ना, औपसमिक शायोपसमिक शायक और औदेक आदि, इन भावों के कारण से ये जितने भी गुणस्थान बने हैं सब इनके कारण से ही बने हुए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जीव के जो औदेक आदि भाव हैं, ये औदेक आदि भाव शब्द भले ही कठिन है लेकिन सब ये भाव प्रैक्टिकली हम करते हैं। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, कई लोगों को ये शब्द कठिन लगते हैं, औदायक क्या होता है, कई लोग इसको औदायक औदायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औदायक नहीं है, क्या है? औदायक। अब ये जो औदायक आदि जो भाव हैं बहुत कोई कठिन नहीं है, हम प्रति समय करते हैं, बस शब्दों में हमें पता नहीं है, इतनी बात है। हम जो सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, हमें
क्रोध आता है, मान आता है, माया आचारी होती है, लोभ आता है, ये सब इससे जो हमारे भाव होते हैं वो कौन से भाव हैं? किसी का अच्छा करने के भाव होते हैं वो भी औदेक भाव है, किसी का बुरा करने के भाव होते हैं वो भी औदेक भाव है, किसी का नुकसान करने के भाव होते, सब ये भाव हमारे औदेक भाव हैं। यहां पर औदेक, औपसमेक, क्षयोपसमेक, क्षायक, ये सब प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों से ही गुणस्थानों का निर्माण होता है। अभी अपन देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, जैसे अभी एक पीछे परिभाषा बता रही थी ना वो मोह और योग के निमित्त से, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। ये बहुत संक्षेप में कि जीव के औदेक आदि भेद माने अवस्थाएं, और अवस्थाएं वो भी कैसी लेना है, हीनाधिक अवस्थाएं, हीन और अधिक अवस्था का मतलब भी हम जानने का प्रयास करेंगे अगले चार्ट से कि हीन और अधिक अवस्थाएं क्या कहलाती हैं। यहां पर निष्कर्ष रूप में देखें, छोटी छोटी गुणस्थान की परिभाषाएं, आपने बड़ी वाली परिभाषा सबने पढ़ी है, अन्ना जी ने बहुत सालों साल तक वही पढ़ाई, उनकी किताब में लिखी, अपन वही परिभाषा पढ़ेंगे। पहले उसकी सरल सरल परिभाषाएं अपन देखने का प्रयास करें। पहली परिभाषा दी अपन देखें इस चार्ट के अनुसार, तो अपन कह सकते हैं गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, है ना, सबसे सरल परिभाषा। गुणस्थान किसे कहेंगे, गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, सबसे सरल परिभाषा है, है ना। जैसे कहें किसी से कि आपको पता है औपसमिक सम्यक्त्व के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, दो, पहला प्रथम और दूसरा द्वितीय, सरल है ना भेद। ऐसे ही भेद सबके हों तो कितना मजा आ जाए, है ना। पाप के कितने भेद, पहला एक, दूसरा, ऐसे ऐसे कई जगह हैं, जैसे औपसमिक सम्यक्त्व के भेदों की चर्चा करेंगे अपन आएगा तो उसका पहला भेद है प्रथमोपसम, दूसरा भेद है द्वितीयोपसम, है ना। ऐसे सरल सरल भेद होते हैं कई जगह, ऐसे यहां जो परिभाषा भी है एकदम सरल है कि गुणस्थान है तो गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, यह भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर लिखा भावों के भेद को गुणस्थान कहते हैं। अपन ने देखा गुण का अर्थ होता है भाव और स्थान का अर्थ होता है भेद, तो हो गया भावों के भेद को गुणस्थान कहते हैं, यह परिभाषा भी एकदम सही है। नंबर तीन, थोड़ा सा और यदि उसको विस्तार से कहें तो अपन कह सकते हैं जीव के, ये लिखा ना जीव की औदेकाई, तीसरी लाइन, वो तो एक एक लाइन के अनुसार एक एक परिभाषा बन गई। जीव के औदेकादि भावों की हीनाधिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं, ये है सरल परिभाषा। अब आपने जो परिभाषा पढ़ी है उसके आधार से अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसके पहले हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गुणस्थान के संबंध में जितने यहां पर बैठे हुए हैं ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस गुणस्थान की कक्षा में बैठ रहे हैं, थोड़ा एक जनरल नॉलेज के लिए, ऐसे कितने लोग होंगे, एक दो तीन चार दस बारह लोग हैं, ठीक है, अधिकतम पुराने ही लोग हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अपन गुणस्थान की परिभाषा जो गोमर सार जीवकांड में लिखी गई है उसके आधार से अपन समझने का प्रयास करेंगे, और परिभाषा ऐसी है कि यदि अपन थोड़ा सा उसको डिटेल करें तो उसी परिभाषा में से सारे गुणस्थान ऑटोमेटिक निर्मित हो जाते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं, ये तो सबको पता ही है। 14 के 14 गुणस्थान उसी परिभाषा में से निकलेंगे। अब थोड़ा सा आपको उपयोग यहां पर एकदम सीरियस होके लगाना पड़ेगा तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। दादा बता ही रहे थे होमवर्क मिलने वाला नहीं, जैसे वहां नहीं मिलेगा इसलिए यहां नहीं मिलेगा, और परिभाषा में ही सब कुछ निकल आएगा और 14 गुणस्थान के नाम भी उसी में से निकलेंगे। थोड़ा सा उपयोग लगाना, अपन शुरू कर रहे हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं, देखिए गुणस्थान का स्वरूप, ये परिभाषा सबने पढ़ी है, मैं बोलता हूं एक बार,
मोह और योग के निमित्त से। दो शब्द हैं, पहला शब्द क्या है मोह, दूसरा शब्द क्या है योग। दोनों में से कठिन कौन सा है? कोई भी नहीं। सरल कौन सा है? वो भी नहीं बताएंगे कोई, है ना। इसका मतलब दोनों ही ठीक ठाक हैं, दोनों अपने पास हैं, अपने पास हैं दोनों, कब से हैं, है ना। अब कौन सा कठिन और कौन सा सरल? ना कोई कठिन है और ना कोई सरल है, सब कैसे हैं? आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कहें, शुद्ध परिचेदाणु होता, श्रुत हैं, परिचित हैं और अनुभूत हैं। सुना भी है हमने इनको कई बार, इनका परिचय भी प्राप्त किया कई बार और इनका अनुभव भी किया है प्राप्त कई बार, और किया बस नहीं है, अभी वर्तमान में कर भी रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी ही संपत्ति है, नहीं है। मोह और योग किसकी संपत्ति है? नहीं है हमारी, तो फिर क्यों साथ में लेके घूमते हैं? देखा जाए तो स्वभाव से तो हमारे ये नहीं है, लेकिन हमारी खुद की गलती से, स्वयं की कमजोरी से, स्वयं की अज्ञानता से हमने इनको अपने पास रख रखा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सारजी ग्रंथ में तो कहा है कि जितने भी गुणस्थान आदि हैं ये सब मोहन कम्म सुदया दुवर्णिया जे एमे गुण ठाणा। भाषा कठिन लगेगी, मैं सरल करके बताऊंगा। और ते कह हवंती जीवा जेणिचम चेतनम उत्ता, कि जितने भी गुणस्थान हैं ये सभी मोहन आदि, मोह आदि कर्मों के कारण से बने हुए हैं। ते कह हवंती जीवा, कहते हैं वो जीव नहीं है, वो अचेतन ही कहे गए हैं। कौन? मोहादिक भाव, ये जीव के असली भाव नहीं है। जीव का भाव तो चेतन भाव है, लेकिन यह जीव अपने उस चेतन भाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को जिस समय भुला देता है, उसको अपना नहीं मानता है, उसको अपना स्वीकार नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक ये गुणस्थानों की परंपरा बनती चली जाती है। इसलिए इसमें गुणस्थानों का अपराध नहीं है, गुणस्थानों ने कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती में आ गए हों ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हमारी ही देन है, हमने ही गुणस्थान बनाए हैं। किसने बनाए हैं गुणस्थान? किसने बनाए हैं? हमने स्वयं ने इन गुणस्थानों को बनाया है, और यदि हमने बनाया है तो नष्ट कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा अधिकार प्राप्त किसको है? पूरी की पूरी कॉपीराइट किसकी है? अपनी स्वयं की है, स्वयं ने ही उनको निर्मित किया है। स्वयं के स्वभाव को भूलकर, जब हम स्वयं के स्वभाव को जानेंगे, उस स्वभाव को अपनाएंगे, उसमें लीन होंगे, तो ऑटोमेटिक गुणस्थानों से हम पार होते चले जाएंगे पर्याय में भी। तो अब हमारी अज्ञानता से कैसे गुणस्थान बने, किस तरह से बने, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु क्या लिया? मोह और योग के निमित्त से। दो खास पॉइंट फिर से बोलता हूं, मोह और योग, ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से पूरे के पूरे 14 के 14 गुणस्थान बने हैं। नाम तो सबको याद होंगे ना, 14 गुणस्थान के नाम याद, किस किस को याद हैं? वाह बहुत बढ़िया, अनेक लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं जिनको 14 गुणस्थानों के नाम याद हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो गुणस्थानों में है ही, जिनको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली हैं सब। ऐसे इन गुणस्थानों को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाली, मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव के श्रद्धा व चारित्र गुणों की, दो गुण लिए जीव के, कौन से दो गुण? श्रद्धा और चारित्र गुण। वैसे अपन ने ज्यादातर जब भी सुनते हैं तो तीन गुणों को एक साथ सुनते हैं, कौन से? श्रद्धा,
ज्ञान और चारित्र, यहाँ एक बीच में छूट गया, कौन सा गुण? ज्ञान गुण छूट गया, दो ही गुण लिए, एक छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि ज्ञान गुण के कारण से गुणस्थान नहीं होते। कारण, कारण यह है कि ज्ञान अधिक कितना भी हो जाए, ज्ञान कितना ही कम हो जाए, अधिक ज्ञान से गुणस्थान बढ़ता नहीं, कम ज्ञान से गुणस्थान गिरता नहीं। क्या गजब है, माने ज्ञान के कारण से गुणस्थान का घटना बढ़ना नहीं होता। किसी को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, बहुत सारे शास्त्र याद हो, तो उसका गुणस्थान बढ़ गया, ऐसा नहीं। और किसी को कुछ नहीं आता, बालबोध भी नहीं आता, तो उसका गुणस्थान कहोगे कि पहला है, ऐसा भी जरूर नहीं है। बालबोध भी नहीं आता हो तो भी छठवां सातवां गुणस्थान हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, क्या बोले? फिर से बताता हूं, बालबोध का भी जिसको ज्ञान नहीं है उसका कौन सा गुणस्थान हो सकता है? कोई समस्या नहीं, तो फिर बालबोध पढ़ना ही बंद करें। अच्छा, समय सार का ज्ञान होगा तो कौन सा गुणस्थान हो सकता है? और समय सार का जिसको ज्ञान नहीं होगा तो कौन सा गुणस्थान? गोमठ सार का जिसको ज्ञान होगा तो गुणस्थान बढ़ गया, और गोमठ सार का ज्ञान नहीं होगा तो गुणस्थान कुछ नहीं। अरे, 11 अंग नौ पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है तब भी एक गुणस्थान ना बढ़े। क्या गजब, 11 अंग जानते कहां है अपन, बस नाम सुने हैं, 11 अंग नौ पूर्व, 11 अंग नौ पूर्व। आचार्य कुंदकुंद देव को कितना ज्ञान था पता है? कितने अंग का ज्ञान था? कितने अंग का ज्ञान था? वो तो बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, इसलिए उनको तो 11 अंग नौ पूर्व से ज्यादा का हुआ होगा, क्योंकि 11 अंग नौ पूर्व का तो अज्ञानी तक को हो जाता है, और आचार्य कुंदकुंद तो ज्ञानी थे, इसलिए उनको 11 अंग नौ पूर्व से भी ज्यादा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आचार्य कुंदकुंद देव को 11 अंग तो बहुत दूर, एक अंग भी नहीं, एक अंग का भी, अब पूरे भेद प्रभेद नहीं कर रहा हूं, उसके कितने भाग और उन भागों में भी कौन से, बहुत थोड़ा सा ज्ञान आचार्य कुंदकुंद देव को था। और ये तो आचार्य कुंदकुंद की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी कई मुनिराज हो गए जिनको तो ज्यादा ऐसे शास्त्रों का ज्ञान था ही नहीं। अपने शिवभूति मुनिराज का नाम सुना होगा, कितना ज्ञान था उनको, तो समाज माने इतना सा शयोपसम ज्ञान अत्यंत अल्प हो, शास्त्रों की भाषा में कहें तो अष्ट प्रवचनी का मात्र, कितना, ये ना शब्द थोड़े से कठिन हो गए होंगे आपको, ये क्या होता है अष्ट प्रवचन मात्री का, पांच समिति और तीन गुप्ती, इतना सा मात्र ज्ञान हो तब भी वो गुणस्थान चढ़ते हुए और केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान गुण के हीन होने से अथवा ज्ञान का शयोपसम कितना भी विकसित हो जाए, उससे गुणस्थान घटने बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। पहले वाले को अधिक शयोपसम भी हो सकता है और छठे सातवें वाले को बहुत अल्प शयोपसम भी हो, तब भी उनके गुणस्थान बढ़ चुका है और इनके गुणस्थान वहीं का वहीं है। इसलिए यहां पर ज्ञान गुण को नहीं लिया, कौन से गुण लिए मात्र? श्रद्धा और चारित्र, दो गुण। इन दो गुणों में ही क्या लिखा है आगे, गुणों की तारतम्य अवस्था, तारतम्य माने हीनाधिक अवस्था। ये हीनाधिक अवस्था दो ही गुणों में कही, कैसे हीनाधिक अवस्था कैसे होती है इनमें? श्रद्धा गुण की हीन अवस्था और श्रद्धा गुण की अधिक अवस्था, एक पॉइंट। चारित्र गुण की हीन अवस्था और चारित्र गुण की अधिक अवस्था, ये है क्या चीज, वो देख लेते हैं संक्षेप में। श्रद्धा गुण की हीन अवस्था क्या होगी? मिथ्या श्रद्धा। श्रद्धा गुण की हीन अवस्था क्या होगी? मिथ्या श्रद्धा। और श्रद्धा गुण की अधिक अवस्था क्या होगी? अधिक अवस्था सम्यक श्रद्धा। मिथ्या श्रद्धा होगी गुणस्थान पहला,
सम्यक श्रद्धा होगी। गुणस्थान ऊपर चौथे आदेश से आगे बढ़ गए। इसको कहते हैं श्रद्धा गुण की हीन अवस्था और श्रद्धा गुण की अधिक अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या लिया, चारित्र गुण। चारित्र गुण की हीन अवस्था क्या होगी और चारित्र गुण की अधिक अवस्था क्या होगी। मिथ्या चारित्र है चारित्र गुण की हीन अवस्था, और सम्यक चारित्र और चारित्र में निरंतर वृद्धि होते चले जाना, ये सब है चारित्र की अधिक अवस्था, उच्च अवस्था। तो श्रद्धा और चारित्र ये जो जीव के दो गुण हैं, इन दो गुणों में हीन अवस्था होगी गुणस्थान नीचे वाले, अधिक अवस्था होगी गुणस्थान बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह की ये तारतम्यता, हीनाधिकता जहां जहां पाई जाती है उससे गुणस्थान के भेद बनते चले जाते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहां पर निमित्त दो हैं और जीव के गुण भी दो हैं। इन दो के निमित्त से, इन दो में जो हीनाधिकता होती है, कौन से दो के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से, और श्रद्धा और चारित्र में जो हीनाधिकता होगी उससे 14 गुणस्थानों का निर्माण होता है, 14 गुणस्थान बनते हैं। अब कैसे बनते हैं अब अपन आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, गुणस्थान ये लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा वहां दिख नहीं रहा होगा, बोल बोल के बता देता हूं। गुणस्थान में आगे बढ़े, ये लिखा है निमित्त। गुणस्थान में निमित्त क्या है, अभी अपन ने ऊपर जान लिए कौन से, मोह और योग। अपन सबसे पहले मोह से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाए मोह, मोह से शुरू करते हैं। मोह तो सब जानते हैं क्या होता है, ये मैं हूं शरीरादिक, ये मैं हूं अथवा ये मेरा है, इस तरह की मान्यता कहलाता है मोह। जो मेरा नहीं है, आज तक कभी हुआ नहीं है, ऐसी पर वस्तुओं को अपना मानना अथवा ये मैं हूं ऐसा स्वीकार करना, उसका नाम मोह है। आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं उनमें अपनत्व रखना, उनके प्रति ममत्व की भावना रखना, ये सब है मोह। और जब तक इस जीव को ये मोह रहता है, इस मोह के निमित्त से गुणस्थानों में गमन पाया जाता है। मोह के भी आपने भेद सुने होंगे, कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, दो के तीन, दो भेद, कौन कौन से दो, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह तो है मिथ्यात्व, एक तरह से दर्शन मोह क्या है, उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धान, सात तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना जानकर अन्यथा मानना। जीव का स्वरूप है जानना देखना, जानने देखने के अलावा जीव ने आज तक कभी कुछ किया नहीं, कर सकता नहीं, मैं भी मात्र जानता हूं और देखता हूं, यही वास्तव में असली जीव की सही पहचान है, सही निर्णय है। लेकिन जो जीव का स्वभाव ऐसा ना जानकर अन्यथा जानता है कि मैं कुछ करता हूं, कर सकता हूं, अन्य का भला बुरा कर सकता हूं, इस तरह की मान्यता कहलाता है मोह, दर्शन मोह। तो दर्शन मोह के भी भेद हैं, शास्त्रों में कहे हैं, कितने भेद हैं, बहुत बढ़िया, कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला भेद, पहला भेद मिथ्यात्व, दूसरा भेद सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा भेद सम्यक प्रकृति। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, कई जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा सा फिर से प्रयास करते हैं। दर्शन मोह के तीन भेद, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक प्रकृति। ये जो तीन भेद कहे हैं, इन तीनों भेदों से, इन तीनों के कारण से कौन कौन से गुणस्थान बनते हैं, अपन उनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें मोह में, पहला ये लिखा है, क्या लिखा यहां, दर्शन मोह लिखा है। अब वो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा, ये दर्शन मोह है। दर्शन मोह के तीन भेद करें, सबसे पहला भेद
मिथ्यात्व। इसमें नीचे लिखा है फर्स्ट गुण स्थान, इसका मतलब हुआ मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुण स्थान हुआ? पहला। अब आपको ये जो भेद प्रभेद जितने अलग से अपन पढ़ते हैं उसकी जरूरत नहीं है, ये अपन जो परिभाषा है इस परिभाषा में से ही जो चार्ट आगे चलता चला जाएगा, इसी क्रम से एक एक गुण स्थान कैसे बने उनका हमें बेसिक एक फंडामेंटल एक सामान्य जानकारी हो जाएगी, फिर धीरे 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 ये अपन आगे गुण स्थानों के संबंध में चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए इन गुण स्थानों से कैसे हमें अतीत होना है, उन गुण स्थानों से भिन्न अपने स्वभाव की पहचान करना है, ये अपन क्रम क्रम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखा पहला भेद मिथ्यात्व था, उसके उदय से कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। पहले गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व है, बिल्कुल। जिसका उदय गुण स्थान का नाम भी वही, इसलिए नया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर दो, दूसरा भेद कौन सा है? सम्यक मिथ्यात्व। इसमें कठिन तो है नहीं, मिथ्यात्व तो याद है ही, और एक और नाम क्या जुड़ गया? सम्यक। सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय, यदि इसका उदय हो तो कौन सा गुण स्थान? कौन सा? हाँ, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगी, नहीं तो कोई सोचे मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान, फिर सम्यक मिथ्यात्व के उदय से दूसरा गुण स्थान, और सम्यक प्रकृति के उदय से तीसरा गुण स्थान। ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व है, अथवा मिश्र भी उसको कहते हैं, तो उसके उदय से तीसरा गुण स्थान हुआ। अब अगली प्रकृति कौन सी है? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के कारण से कौन सा गुण स्थान? यहां पे नहीं दिख रहा होगा, वहां नीचे लिखा है क्रॉस। सम्यक प्रकृति के उदय से ज्यादातर लोग समझते हैं चौथा गुण स्थान होता है, कौन सा गुण स्थान? लेकिन सम्यक प्रकृति के उदय से कोई भी गुण स्थान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय से शायोपसमिक सम्यक तो होता है, कौन सा सम्यक? शायोपसमिक सम्यक, और शायोपसमिक सम्यक तो चौथे में भी होता है, पांचवे में भी होता है, छठवे में भी होता है, सातवें में भी होता है। इस कारण से सम्यक प्रकृति के कारण से कोई पर्टिकुलर गुण स्थान बनता हो ऐसा नहीं है, इसलिए सम्यक प्रकृति में लगाया क्रॉस। तो इसका अपन इससे निष्कर्ष निकाले कि मोहिनी मोह के दो भेद थे, दर्शन मोह चारित्र मोह, उसमें दर्शन मोह के तीन भेद किए, पहला भेद मिथ्यात्व, उसके कारण से पहला गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व से तीसरा गुण स्थान। अभी मात्र दो ही गुण स्थानों की चर्चा अपन ने यहां पर की है, अब बाकी कितने बचे? 12 गुण स्थान और बचे। तो ये 12 गुण स्थान इनमें से कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं? अपने पास समय लगभग हो ही गया है, 2-5 मिनट में बस इसको सामान्य भूमिका बना के अपन रोकेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। यह है चारित्र मोह। चारित्र मोह के मात्र भेद गिन लेते हैं आज, आपको पता होंगे कितने भेद हैं, कितने भेद हैं? 25 भेद हैं, नाम तो सबको पता है। पहला अनंतानुबंधी, मात्र आज अभी बस भेद गिन लेते हैं, कल इनके उदय से कौन कौन से गुण स्थान बनते हैं वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, कल हम इनके भाव भी समझने का प्रयास करेंगे, है क्या चीज। कई बार ऐसा होता है या तो सुने ही नहीं, या सुने हो तो ये लगता है कि आखिर है क्या चीज, थोड़ा सा इनका भाव, और कई जो नए नए लोग आते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या रख दिया सर पे बोझा, है ना, भारी टेंशन हो जाती है जब भी ऐसे शब्द बोलो ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, तो
बहुत भारी भारी से लगते हैं, कठिन कठिन से शब्द लगते हैं कि आखिर है क्या चीज। थोड़ा सा एक सामान्य भाव भाषण होगा तो अपन को पता चलेगा ये सारी चीजें कोई नई नहीं है, कहीं की कहां कहां की लेके आ रहे हो ऐसी नहीं है, ये सब की सब हमारे अंदर अभी है और उनके कारण से ही हमारा संसार में परिभ्रमण हो रहा है। और ये सब इनके निर्माता भी देखा जाए तो हम स्वयं ही हैं, कोई अन्य नहीं। इनको बनाने वाले हम, और यदि हम अपने स्वभाव का आश्रय लें तो इनका अभाव भी हम स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो पहला क्या नाम बताया, अनंत अनुबंधी। दूसरा नाम अप्रत्यक्षानावरण। तीसरा नाम प्रत्यक्षानावरण। और चौथा नाम है संज्वलन। ये चार कषायें हैं, इन चारों के चार चार भेद और होते हैं। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भेद हैं। कितनी हो गए कषायें? 16 तो ये हो गई, अब बची कितनी? 9। यद्यपि उन 9 कषायों से कोई गुण स्थान नहीं बनता, जो 9 कषाएं है ना, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनसे गुणस्थान नहीं बनते हैं, इसलिए इनकी इसमें आवश्यकता नहीं है। तो जो अपन ने चार कषाएं गिनी, इन चार कषायों से कितने गुणस्थान बनते हैं, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। आप थोड़ा सा जल्दी आएंगे क्योंकि हम शुरू कर देंगे अपने टाइम पर, फिर जो चूक जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। कल अपन से चर्चा आगे करेंगे, अभी का समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। सभी से निवेदन है, भक्ति का कार्यक्रम जिनेंद्र मंदिर में वहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, सभी वहाँ पर शीघ्र पधारें।